गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने लेसन नंबर 8 लोहो तुला पढ़ा। इसमें हम लोगों ने स्टोरी देखी। क्या थी स्टोरी? कि सेठ के घर पे एक दरोवर के रूप में लोहे की तुला रखी जाती है, परंतु जैसे ही वो वापस विदेश से लौटकर अपने लोहे की तुला मांगने के लिए आता है तो वो लोहे की तुला देने के लिए मना कर देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखना कि क्या अर्थ दिया हुआ है, क्या है आगे की स्टोरी। अथ तत्पश्चात असौ यह श्रेष्ठी पुत्र सेठ का पुत्र धनदेव स्नान उपकरण आदाय स्नान के उपकरणों को लेकर प्रहस्त मना खुश मन से तेन उसके अभ्यागतेन उसके साथ प्रस्थान करता है। तत्पश्चात सेठ का पुत्र धनदेव स्नान के उपकरण आदि लेकर प्रसन्न मन से उसके साथ प्रस्थान करता है तथा तत्पश्चात अनुसंधे स्थान पर सवणिक वह वणिक व्यापारी स्नात्वा स्नान करके तम शिशु उस शिशु को गिरी गुहाया पर्वतीय गुफा में प्रक्षिप रख करके तद्वारम उसके द्वार पर वृहत माने बहुत बड़ी शिलिया माने शिला से आच्छाद्य माने ढककर सत्वरम शीघ्रतापूर्वक ग्रहम आगत घर को आ जाता है। तत्पश्चात वह सेठ का पुत्र धनदेव स्नान के उपकरणों को लेकर अर्थात टॉवेल आदि को लेकर प्रसन्न मन से उसके साथ प्रस्थान करता है। तत्पश्चात किसी स्थान पर वह वणिक वह व्यापारी स्नान करके उस शिशु को पर्वतीय गुफा में डालकर और उसके द्वार पर बहुत बड़ी शिला से ढककर शीघ्रतापूर्वक घर आ गया। सहश्रेष्ठि वह सेठ पृष्ठवान पूछता है, भो अरे अभ्यागत आ गए हो? कथ्यता कहो पुत्रम कहो कुत्र मे शिशु कहाँ है मेरा बच्चा यह जो तव्या तुम्हारे साथ नदी गता नदी पर गया था। कि मेरा वो शिशु कहाँ है जो नदी पर स्नान के लिए गया था? स वदत वह बोला, तो पुत्र तुम्हारा पुत्र नदी के तट से सैनात बाज पक्षी के द्वारा हत्या माना मारा गया। तुम्हारा पुत्र नदी के तट से बाज पक्षी द्वारा मारा गया पकड़ा गया। श्रेष्ठी अवदत श्रेष्ठी बोलता है सेठ बोलता है कि मिथ्यावादी ने झूठ बोलने वाले किम क्या क्वचित कोई सैन बालम से बाज पक्षी के द्वारा बाल का हरण किया जा सकता है। तत् समर्प्य मुझे समर्पित करो मैं सुतम मेरा पुत्र अन्यथा राजकुल में निवेदित करूँगा। सो अकथ्यत वह बोला, भो सत्यवादिना अरे सत्यवादिना यथा जिस प्रकार बाज पक्षी के द्वारा बालक को नैति माने ले जाया जाता है तथा उसी प्रकार मुस्कह चूहे के द्वारा लोहघटित लोहे से बनी हुई तुला को नहीं खाया जा सकता। जिस प्रकार बाज पक्षी के द्वारा बाल को नहीं ले जाया जाता उसी प्रकार चूहे भी लोहे से बनी हुई तुला को नहीं खाते हैं। तद तो अर्प्य अर्पित करो मेरी तुला को यदि द्वारकेण माने पुत्र के प्रयोजन से यदि तुम पुत्र चाहते हो तो मेरी लोहे की तुला दो। एवं इस प्रकार विवाद करते हुए दौ अपि दोनों राजकुल में जाते हैं। तत्र वहाँ श्रेष्ठी शेठ तार स्वरण जोर से अवदत बोला, भो अरे वंचितो अहम मैं ठगा गया हूँ। अब्रह्मण्य इन चोरेन इस चोर के द्वारा मेरे शिशु का अपहरण किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ से अथ असौ से लेकर ये अपहत इति पैराग्राफ का सप्रसंग हिंदी अनुवाद करेंगे। मेरे को जहाँ तक समझ रही हूँ कि आपको हिंदी अनुवाद भी समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझ पर कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय।